हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेयर आई एम कुसुमलता। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 12th चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द ब्लू जैकाल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इन अ फॉरेस्ट देयर वंस लिव्ड अ जैकाल नेम्ड चतुर। एक बार एक जंगल में चतुर नाम का एक जैकाल रहता था। वह बहुत वीक और फ्रेगल था। यही रीज़न था कि वह हंट नहीं कर सकता था और इसीलिए वह मोस्ट ऑफ द टाइम हंगरी रहता था। एक दिन जब वह वॉन्डरिंग कर रहा था तो वह सोच रहा था, इफ़ आई गो टू द टाउन नियर बाय आई माइट गेट समथिंग टू ईट एंड सेटिस्फाइड माई हंगर। कि अगर मैं पास के किसी टाउन में जाऊं तो वहां पर मुझे अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल सकता है। इसलिए वह खाने की तलाश में पास के एक टाउन में निकल पड़ा। लेकिन जब वह टाउन पहुंचा तो वहां डार्क हो चुका था, अंधेरा हो चुका था और आसमान में तारे चमकने लगे थे। वह उस टाउन के हर नुक और कॉर्नर की ओर देखने लगा, लेकिन उसे वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जल्दी ही वह थक गया और सोचने लगा कि मैं अपनी नाइट जो है इसी टाउन में स्पेंड करूंगा और फॉरेस्ट के लिए कल सुबह मॉर्निंग में निकलूंगा और सोने के लिए जगह तलाश लेने लगा। जस्ट देन सम वाइल्ड डॉग्स स्पॉटेड हिम एंड स्टार्टेड वॉकिंग एंड चेसिंग हिम। उसी समय कुछ वाइल्ड डॉग्स ने उसे स्पॉट किया और उस पर भौंकना शुरू किया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वाइल्ड डॉग्स से पीछा छुड़ाने के लिए उसने जितना हो सकता था उतनी तेज दौड़ने लगा। जब वह दौड़ रहा था तो उसने एक ओपन डोर देखा। डॉग्स से छिपने के लिए वह उस घर के अंदर चला गया, लेकिन यह एक डायर का हाउस था, मीन्स कपड़े रंगने वाले जो होते हैं उसका घर था। उसने बहुत बड़े से ड्रम में एक इंडिगो जो नील होती है वो मिक्स करके रखा हुआ था। जैकाल ने सोचा कि वह अपने आप को इस ड्रम में छुपा लेगा और इसके लिए वह उसमें जंप कर गया। लेकिन जैसे ही उसने उस ड्रम में जंप किया वह ब्लू कलर में डाईहुड हो गया, मीन्स रंग गया। वह पैनिक्ड हो गया और तुरंत बाहर आ गया। उसी समय जो डॉग्स थे वो भी उसका पीछा करते हुए डायर के घर के पास आ गए थे और उसके दरवाजे पर खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें ब्लू कलर के इस स्ट्रेंज क्रिएचर पर सेट की वे उससे डर गए और भाग गए। जैकाल डॉग्स को भागते हुए देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वह सोचने लगा कि अब डॉग्स से छुटकारा मिल गया, कि वह इस घर में अब रात बिताएगा और सुबह जंगल के लिए रवाना होगा और वह सो गया। नेक्स्ट डे जब वह जंगल की ओर जा रहा था तो उसने अपनी रिफ्लेक्शन एक नदी में देखी थी। वह अपने इस नए अवतार को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके अब यह समझ में आ गया था कि डॉग्स उसे देखकर क्यों भाग गए थे। वह अपने आप पर हंसा और सोचने लगा, वाओ दिस इज ग्रेट, आई एम नो लॉन्गर अ जैकाल। जब जंगल के जानवरों ने ब्लू डाइट जैकाल को देखा तो वे घबरा गए। जैकाल अब यह जानता था कि डॉग्स की तरह ये फॉरेस्ट के एनिमल्स भी अब उससे डरते हैं। उसने जल्दी ही इस सिचुएशन का मैक्सिमम एडवांटेज, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का प्लान बनाया। उसने मंकी को अपने पास बुलाया और कहा, हाँ आओ और मेरी बात सुनो। मंकी डर गया और उसके पास चला गया। जैकाल ने कहा, हाँ जाओ और जंगल में ये अनाउंस कर दो कि मैं फॉरेस्ट का नया किंग हूँ और मैं कल मॉर्निंग में सबसे मिलना चाहता हूँ। मंकी ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उसने जंगल में घूमते हुए यह अनाउंस किया कि जंगल का फॉरेस्ट का न्यू किंग आ गया है। उसने सभी से कहा कि फॉरेस्ट के न्यू किंग ने नेक्स्ट मॉर्निंग उन सबको बुलाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी जानवर जहाँ जैकाल ने बताया था वहीं जाके इकट्ठे हो गए। कुछ समय बाद जैकाल आया और उसने कहा, गॉड ने मुझे आपके रूलर के रूप में अपॉइंट किया है, इसलिए मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों की, आप सबकी रक्षा करूँगा और आप में से सबको मेरे कमांड का ओवे करना है, पालन करना है।
अगर किसी ने मेरे विरुद्ध जाने की हिम्मत की तो उसे पनिश्ड किया जाएगा। सभी एनिमल्स ने डर के मारे उसे अपना न्यू किंग एक्सेप्ट कर लिया और एक साथ सबने बोला, लीव लॉन्ग द न्यू किंग, मीन्स नए राजा की जय हो। लॉयन ने कहा कि अगर गॉड ने आपको हमारे लिए अपॉइंट किया है नए किंग के रूप में, तो कौन आपको आपका विरोध करेगा? प्लीज़ हमें बताइए, हम आपके लिए क्या करें। काल ने कहा कि मैं आप सब से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब अपने राजा की फुल केयर करें और उसे हर दिन रिच फूड जो है प्रोवाइड करें। सभी एनिमल्स ने उसी समय कहा, मैजेस्टी, हम अपनी कैपेबिलिटी से अच्छा करेंगे, क्या कुछ और है जो हम कर सकते हैं? नहीं, आज के लिए बस इतना ही, चतुर ने जवाब दिया। सभी जानवर उसे गॉड की तरह ट्रीट करने लगे। उसे अब फॉरेस्ट में बेस्ट फूड मिलता था और जो कुछ भी वह कहता था हर एक उसका ओबेट करता था। एक दिन उसने सोचा कि कुछ जैकाल उसे पहचान सकते हैं, इसलिए उसने सभी एनिमल्स को बुलाया और उन्हें ऑर्डर दिया, आई हेट जैकाल्स, आई वॉन्ट यू टू चेस ऑल दी जैकाल्स आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट, आई डू नॉट वॉन्ट एनी जैकाल इन माई किंगडम। मैं जैकाल से हेट करता हूँ, आप सभी जैकाल्स को इस फॉरेस्ट से बाहर निकालिए, मुझे अपने किंगडम में एक भी जैकाल नहीं चाहिए। सभी एनिमल्स ने जैकाल्स को, सारे जैकाल्स को चेस्ड आउट किया। अब वह बहुत खुश था और वरीलेस था, मीन्स निश्चिंत था। उसने सोचा कि अब उसे पकड़ा नहीं जा सकता और वह अब मरते दम तक इस फॉरेस्ट पर अपना शासन करेगा। लेकिन एक दिन जैकाल्स का ग्रुप पास के ही एक फॉरेस्ट में हाउलिंग कर रहे थे, मीन्स लार्ज लाउड साउंड में क्राइंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। चतुर ने भी उनकी हाउलिंग को सुना, वह बेचैन हो उठा क्योंकि वह भी हाउलिंग करना चाहता था। उसने अपने आप को बहुत रोका लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया, वह सारी चीज़ों को भूल गया और वेरी लाउडली हाउलिंग करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट में हर एक यह देखकर सरप्राइज्ड हो गया। लॉयन ने कहा, हम सब फूलिश थे, हम एक जैकाल के द्वारा फूल्ड बनाए गए। फॉक्स ने साउटेट किया, कैच दिस कनिंग एनिमल इमीडिएटली, हमने उसे राजा की तरह ट्रीट किया और इसने भगवान के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया, ये पनिश डिजर्व करता है, उसे पनिश्ड मिलना चाहिए, एलिफेंट ने कहा। इसलिए वे सभी उसके ऊपर पिल पड़े और कहा, यू रिच एनिमल, हाउ डेयर यू फूल अस, यू चीटेड अस। जैकाल मुश्किल से अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल से भागा और फिर कभी भी उस जंगल में दिखाई नहीं दिया। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्लू जैकाल, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।